हेलो स्टूडेंट, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये है हमारा 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स, और दिस वन इज द लेक्चर नंबर वन। ये हमारा लेक्चर नंबर वन होगा और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मीनिंग क्या है यहाँ पे? इंट्रोडक्शन का मीनिंग होगा कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे। तो जरा देखिए, तो चैप्टर है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो अगर कोई तुमसे डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन क्या दोगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ। अब देखो, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें किसमें हेल्प करेगी स्टडी करने में। जरा चेक कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन पहले हम डिस्कस करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को मैं ROR इससे रिप्रेजेंट करूंगा जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा। जहां भी ROR आएगा, इसका मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब क्या होता है? स्पीड या चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। और कुछ कहीं जगह ध्यान से सुनना, कहीं कहीं चैप्टर में इसको रिप्रेजेंट करेगा वो R से, कभी वहां पे कंफ्यूज हो जाओ तुम तो। जरा देखिए, उसके बाद सेकंड करेंगे हम सेकंड करेंगे इसमें डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग में जैसे कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डील करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हम इसमें करेंगे क्या, जरा देखिए, इसमें हम करेंगे मैकेनिज्म। अब कुछ रिएक्शन है हमारे पास, उसके मैकेनिज्म की हम इसमें क्या करेंगे बात। उसके बाद जरा देखिए, तो ये हमारा कंटेंट रहेगा इस चैप्टर में। इसके अलावा जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में, हम यहाँ पे कंटेंट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जो हमारा विद इन द सिलेबस है उसमें जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, रिएक्शन का क्या हो सकता है जीरो ऑर्डर। उसमें फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, रिएक्शन क्या हो सकती है सेकेंड ऑर्डर भी हो सकती है, एंड सो ऑन। लेकिन विद इन द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द CBSE नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू द NCERT, हम सिर्फ डील करेंगे जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। उसके बाद आगे हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ कंटेंट, रेट ला। जब तुम रेट ला इसमें डिस्कस करोगे, रेट ला से ही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा। रेट ला से ही हमारा क्या निकलेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके अलावा हम जो कंटेंट करेंगे इसमें मोलिकुलैरिटी, हम इसमें कंसेप्ट करेंगे मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ये भी इसी चैप्टर का एक पार्ट होगा, मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। इसी में हम कंटेंट करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, कोलिजन थ्योरी एंड साइड बाय साइड अरिनियस अरिनियस इक्वेशन, ठीक है। तो दिस वन इज द लास्ट कंटेंट। तो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक, जो हम कंटेंट, हम जो डील करेंगे वन बाय वन करके, वो होगा हमारा सबसे पहला जो कंटेंट होगा रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे इससे हम डील करेंगे इसके न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, फैक्टर में इफेक्टिंग में हमारे पास ये कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास रेट ला आएगा, रेट ला से हम क्या निकालेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट को डील करेंगे। उसके बाद मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी एंड अरिनियस इक्वेशन। तो दिस वन इज द डाटा ऑफ द केमिकल काइनेटिक। नाउ द फर्स्ट कंटेंट, आज हम अपना फर्स्ट कंटेंट उठाते हैं जिसको हम नाम देंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ब्यूटीफुल सा चैप्टर। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। तो पहला कंटेंट है यहाँ पे, हेडिंग लगाइए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितनी भी दुनिया के अंदर, ध्यान से सुनना, जितनी भी दुनिया के अंदर, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है वो कितने टाइप की होती है, थ्री। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे आप केमिकल रिएक्शन को कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हो, तो आंसर कितना दोगे, थ्री टाइप। तो फर्स्ट टाइप जरा देखिए, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरी जो टाइप है वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। एंड द थर्ड टाइप इज
इंटरमीडिएट बोल सकते हो या मॉडरेट बोल सकते हो, दोनों के बीच की मॉडरेट रिएक्शन। अब चेक करते हैं, तो जरा देखिए पहला चेक करते हैं वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जरा चेक कीजिए वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। तो देखिए ये वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन लगा लीजिए, या पहला पॉइंट हमने किया वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, स्लो कर लेते हैं वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। देखो ये रिएक्शन इतनी स्लो होती है, ये इतनी स्लो होती है कि हम इनका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, अब रस्टिंग ऑफ आयरन अब तुम 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन थोड़ी ना बैठोगे कि कब रिएक्शन होगी कब रिएक्शन होगी। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये इतनी स्लो रिएक्शन होती है कि इनका रेट डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो रिजल्ट क्या निकला कि इस चैप्टर में हम ये कंटेंट डील नहीं करेंगे, हम इस टाइप की रिएक्शन को नहीं स्टडी करेंगे, बात समझे। तो पहला जो कंटेंट है हमारा वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, और वेरी वेरी स्लो रिएक्शन क्या होती है, इन दिस टाइप डेफिनेशन लिख सकते हो वेरी स्लो रिएक्शन में, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो, कैन नॉट डिटरमाइन। इतना स्लो होता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल जरा देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रिजल्ट क्या हुआ कि इस चैप्टर में हम इस टाइप की रिएक्शन को डील करने वाले नहीं है। उसके बाद दूसरी टाइप पे चलते हैं, नाउ वी टॉक अबाउट द सेकेंड। सेकेंड है हमारे पास वेरी स्लो वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। अब जरा देखिए वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या दोगे कि ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि सेकंड से भी कम टाइम लगता है कि एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट के अंदर डाला एकदम से प्रोडक्ट तैयार हो गया। इतनी फास्ट होती है कि इनका भी हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो क्या राइट डाउन करोगे इसमें, द रिएक्शन दिस रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट डिटरमाइन। इसका भी हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अगर कोई तुमसे एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल क्या दोगे, आयनिक इक्वेशन। जितनी भी हमारी आयनिक इक्वेशन होती है ये सारी की सारी क्या होती है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल। अब 10th क्लास में एक्टिविटी करते थे तो AgCl के अंदर हमने AgNO3 डाला, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो हमारे पास क्या बनता था, AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट, AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट, व्हाइट पीपीटी बनते थे, ठीक है। तो दिस वन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि तुम इसका क्या रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब मजे की बात सुनिए, अब होगा क्या, इस चैप्टर में हम इसको भी डील नहीं करेंगे। अब हम थर्ड इक्वेशन पे चलते हैं, वी टॉक अबाउट द मॉडरेट, जो इस चैप्टर में हम डील करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट द मॉडरेट रिएक्शन, तो मॉडरेट रिएक्शन थर्ड पॉइंट डालिए, मॉडरेट रिएक्शन। अब मॉडरेट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये रिएक्शन ना तो ज्यादा फास्ट होती है और ना ही ज्यादा क्या होती है, स्लो। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी कैन मेजर आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन हम इसका आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज नाइदर very fast and nor very slow, ना तो ये ज्यादा fast होती है और ना ही क्या होती है, ज्यादा slow होती है। तो इसका example जरा देखिए, जो हम इस chapter में जो deal करेंगे reaction से, पहली reaction है हमारा ethyl acetate C2H5, इसकी क्या करा दो, hydrolysis करा दो, तो ये बनेगा हमारे पास ethanol plus acetic acid CH3COH plus C2H OH. This one is the best example. उसके बाद H2O2 की क्या करा दो तुम, H2 second example देख सकते हो, H2O2 की क्या करा दो, dissociate करा दो इसको, तो क्या निकलेगा हमारा H2O plus half O2. तो this one is the example. हम इस chapter में moderate reaction को क्या करेंगे, study करेंगे, इनके rate of reaction निकालना सीखेंगे moderate reaction के, समझे। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहला कंटेंट हमने क्या सीखा कि केमिकल रिएक्शन को ROR रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, वेरी स्लो वेरी फास्ट एंड मॉडरेट। वेरी स्लो का मतलब इतनी स्लो कि हम उसका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, वेरी फास्ट का मतलब इतनी फास्ट कि चुटकी में हो गया,
डालते ही केमिकल एकदम से रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो हमें पता ही नहीं चला कि रिएक्शन कब कंप्लीट हुई, तो हमने वो भी नहीं स्टडी करनी। अब स्टडी क्या करोगे, मॉडरेट रिएक्शन जो दोनों के बीच में क्या करें, लाइक द बेस्ट एग्जांपल है ऑफ इथाइल एसीटेट को कि क्या एस्टर के हमने क्या की हाइड्रोलिसिस, या H2 हाइड्रोजन परोक्साइड को हमने क्या किया डिसोसिएट, और सारे बहुत सारे एग्जांपल तुम क्या करोगे इसमें डिस्कस करोगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं हम अपना कंटेंट लेके। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने कंटेंट किया, तो सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव द रीजन, हमें रीजन दीजिए फॉर द डिफरेंट इन रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन। डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन के डिफरेंट डिफरेंट के होते हैं रेट होते हैं, रेट का मतलब स्पीड होती है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन क्या दोगे। देखो भाई सिंपल सी बात तुम्हें पता है कि जरा देखिए ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हमने कहां पे जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, बात समझे। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कब जाओगे, जब रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे। अब खुद से दिमाग लगाइए, अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड मजबूत है तो ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने के लिए, थोड़ी दिक्कत होगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो। अगर रिएक्टेंट के बॉन्ड ही कैसे हैं, बिल्कुल सॉलिड नहीं है, अच्छे तरीके से बाउंडेशन नहीं है, तो आसानी से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, टूटने के बाद वो सीधे किस में चले जाएंगे, प्रोडक्ट में, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। तो दिस वन इज द रीजन, बात समझे। तो यहाँ पे मैंने यही राइट डाउन किया है इस पूरी की पूरी समरी में कि जब रिएक्शन चलती है, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं, तो देखो रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटते हैं, तो बॉन्ड टूटने के लिए हमें डिफरेंट एनर्जी क्या करनी पड़ती है, रिक्वायर्ड करनी पड़ती है। देखो दो एग्जांपल ले लो, हो सके कि सपोज करो रिएक्टेंट के अंदर तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, हो सके कि रिएक्टेंट के अंदर डबल बॉन्ड है, हो सके कि रिएक्टेंट के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो ज्यादा दिक्कत कहां पे होगी, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में, तो इसका मतलब रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो, और सिंगल बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, बात समझे। लेकिन जब प्रोडक्ट में जाएंगे तो प्रोडक्ट में क्या होता है, नए बॉन्ड की क्या होती है, फॉर्मेशन। जब नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो यहां से क्या निकलेगी, एक एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो दिस ड्यू टू दिस क्राइटेरिया सम रिएक्शन आर वेरी स्लो एंड सम रिएक्शन आर वेरी फास्ट, या बोल सकते हैं कुछ रिएक्शनों का रेट काफी स्लो होता है, कुछ रिएक्शनों का रेट क्या होता है, फास्ट होता है, ड्यू टू द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, कि पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड क्या करेंगे, हमारे बनेंगे। तो दिस वन इज द रीजन बिहाइंड इट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट कर सकते हो, फिर आगे अपने कंटेंट पे चलते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट कंटेंट इज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमने इस चैप्टर में क्या डील करना है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले पॉइंट डालना, वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, कि भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, जरा ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर ओ आर से, आर ओ आर से। तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, इट मे बी डिफाइंड एज द, इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन, एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। भाई कंसंट्रेशन तो दोनों की चेंज होगी, रिएक्टेंट की भी एज वेल एज प्रोडक्ट की भी, तो हमने क्या कहा, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी चीज को बोलते हैं, इस कोल्ड आर ओ आर, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनना ध्यान से मेरी बात, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे, जरा देखिए। देखो जब भी तुम क्या करोगे, चेंज इन रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं मैं तुम्हें, रिप्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी, रिप्रेजेंटेशन जरा चेक कीजिए, रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे तुम, सपोज करो तुम्हारे पास क्या है, ए ए प्लस बी बी गिव्स टू सी सी प्लस डी डी, तुम्हारे पास ये है, ये कोई इक्वेशन है, उसने कहा कि इसको आर ओ आर में रिप्रेजेंट कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, कि जो हमारी स्टीचोमेट्री होती है, जो हमारा ये कोफिशेंट होता है ए बी सी, ये आ जाता है डिवाइड में, और देखो ये रिएक्टेंट है, भाई रिएक्टेंट कहाँ गया, प्रोडक्ट में। अब टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे रिएक्शन चलेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, इंक्रीज। तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम माइनस वर्ड यूज करते हैं, माइनस के ए। अब कंसंट्रेशन का चेंज होना, तो चेंज के लिए हम क्या लगाते हैं, दो चीजें चेंज के लिए लगाएंगे, या तो डेल्टा लगाएंगे या फिर हम क्या लगाएंगे, डी, अभी बताऊंगा कैसे। तो डेल्टा ए विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी इक्वल का साइन, माइनस वन अपॉन बी डेल्टा बी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी इज इक्वल टू, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, वन अपॉन सी डेल्टा सी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी।
विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस वन अपॉन डी डेल्टा डी विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी। तो दिस वन इज द एक्सप्रेशन किसका, आर ओ आर का। अब एक की पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, दिस वन इज द आर ओ आर रेट ऑफ रिएक्शन। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे देखो दो चीजें यूज करते हैं हम, एक तो करते हैं देखो मैं यहाँ से राइट डाउन करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए इस चीज को अपने माइंड में डालना, हम यहाँ पे चेंज के लिए या तो हम डेल्टा यूज करेंगे या हम डी यूज करेंगे। जब भी तुम डेल्टा यूज करते हो ये होता है लार्ज चेंज, ये किसके लिए यूज करते हो तुम, लार्ज चेंज, ठीक है, लार्ज चेंज के लिए, लार्ज चेंज बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो एवरेज, एवरेज के लिए, ठीक है। और ये होता है स्मॉल चेंज, ये किसके लिए यूज करोगे स्मॉल डी, स्मॉल चेंज, स्मॉल चेंज का मतलब इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज। अगर उसने ये क्वेश्चन दिया, ध्यान से सुनना, अगर उसने क्वेश्चन दिया एग्जाम में कि भाई हमने हमें इसका आर ओ आर निकाल के दिखाओ लार्ज चेंज के लिए या एवरेज के लिए, तब हम ये आंसर दे के आएंगे। अगर उसने कहा कि हमारे पास ये कोई इक्वेशन है और उसने कहा कि इसका इंस्टेंटेनियस आर ओ आर निकालो, इंस्टेंटेनियस आर ओ आर निकालो, तब आंसर क्या दोगे जरा चेक कीजिए, माइनस के वन अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के वन अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस वन अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस वन अपॉन डी 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 अपॉन डी टी। ये स्मॉल डी यूज करोगे, दिस वन इज द लार्ज चेंज, दिस वन इज द इंस्टेंटेनियस या स्मॉल चेंज, तब ये आंसर दे के आओगे। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर ओ आर, क्योंकि हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू द टाइम, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है इंक्रीज, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या यूज किया प्लस। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं इसी टॉपिक को और क्वेश्चन लगाते हैं जो सीबीएसई में आते हैं। चलिए जी अब ये करने के बाद देखें, अब हमने क्या करना है, हम निकालेंगे टाइप ऑफ आर ओ आर, जो हमारे पास आर ओ आर, जरा ध्यान से सुनना, जो हमारे पास आर ओ आर है, आर ओ आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास टू टाइप होता है, टू टाइप। अब जरा चेक कीजिए, जो पहली टाइप है वो है हमारे पास एवरेज, एवरेज आर ओ आर, दूसरी जो टाइप है वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस। अब जो एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज के लिए हम हमेशा डेल्टा वर्ड यूज करेंगे, ध्यान से सुनिए, और इंस्टेंटेनियस के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, डी। जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में तुम्हें शो किया, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन जरा चेक करना, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो हमारे पास सच दिस टाइप कर्व आएगा, हमारे पास एक पॉइंट ये ले लीजिए दिस वन, एक पॉइंट ये ले लीजिए दिस वन, तो दिस वन इज द फाइनल ग्राफ। अब ये होगा हमारा कंसंट्रेशन का और ये होगा हमारा टाइम का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस में कर्व यही आएगा, सिर्फ हम एक पॉइंट लेके चलेंगे दिस वन, दिस वन इज द स्मॉल चेंज इंस्टेंटेनियस चेंज, दिस वन इज द कंसंट्रेशन एंड दिस वन इज द टाइम। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइप ऑफ आर ओ आर, तो सिलेबस में दिया हुआ है, एक तो होता है हमारा एवरेज, एवरेज के लिए हम डेल्टा, यानी कि लार्ज चेंज के लिए हम डेल्टा यूज करेंगे दिस वन ट्राइंगल, और इंस्टेंटेनियस के लिए हम स्मॉल डी का यूज करेंगे दिस वन। और ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन बात करूँ तो इस ग्राफ को थोड़ा माइंड में रखना, ठीक है, तो दिस वन इज द टाइप ऑफ आर ओ आर। अब आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा एग्जाम में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे पास यूनिट, यूनिट बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, यूनिट ऑफ आर ओ आर। अब यूनिट कैसे निकालेंगे जरा देखिए, अब हमें पता है कि जो आर ओ आर है वो है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब कंसंट्रेशन को किस में मेजर करते हो तुम, मोल पर लीटर में, और डिवाइड बाय टाइम को सेकंड में, तो दिस वन इज द आर ओ आर यूनिट, वन मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यही चीज़ तुम्हें किस में पूछ ले, इन गैस में, अगर यही चीज़ तुम्हें किस में पूछ ले, इन गैस स्टेट में बताओ कि आर ओ आर क्या होता है। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा मोल पर लीटर है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ए टी एम, क्योंकि हमें पता है कि गैस के केस में जो कंसंट्रेशन होती है वो डिपेंड करती है ए टी एम पर, तब आंसर क्या दोगे, ए टी एम पर सेकेंड। तो दिस वन इज द फाइनल शॉट, नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, आर ओ आर के बेसिस पे न्यूमेरिकल, और फिर हम अपना आगे प्रोसीड करेंगे रेट ऑफ लॉ या रेट ऑफ रिएक्शन को आगे प्रोसीड करेंगे। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।